गैलीलियो जो कि एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, एवरीथिंग विच इज़ इन मोशन इवेंचुअली कम्स टू अ स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो चीज़ों के आपस में से रगड़ने से बनता है। हमारी कार का ब्रेकिंग सिस्टम भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। When you apply the brakes on your car, तब ब्रेक पैड्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं एंड दे ग्रैब द रोटर। दिस थिंग कॉजेस फ्रिक्शन एंड इवेंचुअली योर व्हीकल कम्स टू अ हॉल्ट। अगर ब्रेक पैड्स की कंडीशन अच्छी ना हो तो जीरो मूविंग पार्ट्स होने के बावजूद भी ब्रेक पैड्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पोनेंट टू इंजीनियर एंड मैनुफैक्चर ऑन अ व्हीकल। हाई गाइज, माई नेम इज करण। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गो मैकेनिक। From initial design to final packaging, आइए देखते हैं Go Mechanic SafeTech Plus brake pads को कैसे बनाया जाता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं हाथ में Kevlar, which is used in making bulletproof vest, and this material costs $25 per kg in India। हम अभी खड़े हैं फैक्ट्री के स्टोरेज एरिया में, जहाँ पर फ्रिक्शन मटेरियल को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि लाइम पाउडर, सल्फेट्स, नाइट्राइड्स, ग्रेफाइट एंड मेनी अदर लाइक दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टोरेज एरिया के बाद वी आर इन द मिक्सिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो भी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं फ्रिक्शन मटीरियल के लिए, जो भी मैंने आपको बताया, वो डिफरेंट रेशियोज में मिक्स किए जाएंगे। दीज ऑल आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स। This guy has just to fill the right amount of material in them. They open automatically and also close automatically. हमने different friction material को different quantities में mix कर दिया है। Now हम दूसरे station पे खड़े हैं, which is backing plate, बहुत ही important component of a brake pad। इस पे adhesive apply कर रहे हैं and we are moving it into the oven so that friction material can stick to it. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बैकिंग प्लेट और उस पर एडेसिव कैसे लगाया जाता है ये प्रोसेस दिखाया था। अब हम एक नेक्स्ट स्टेशन की तरफ आ चुके हैं, जहां पर कि फ्रिक्शन मटेरियल को एक प्रेस में रखा जाता है और वही बैकिंग प्लेट इसके ऊपर रखी जाती है। अब हम इसका प्रेशर अप्लाई करेंगे, विच इज़ अबाउट 50 tons। इमेजिन दैट काइंड ऑफ हीट एंड प्रेशर। ये हेल्प करेगी हमारी बैकिंग प्लेट और फ्रिक्शन मटेरियल को एक साथ जोड़ने में। तो हमारी प्रेस से फ्रिक्शन मटेरियल और बैकिंग प्लेट साथ में जुड़ के आ चुके हैं। दिस इज अ वेरी हॉट, आई शुड नॉट टच दिस। यू कैन सी द प्रोडक्ट योरसेल्फ एंड इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। बैकिंग प्लेट को फ्रिक्शन मटेरियल पे जोड़ने के बाद हम आ चुके हैं क्योरिंग स्टेशन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ब्रेक पैड्स को इस बड़े से ओवन के अंदर 8 घंटे तक रखा जाएगा टू क्योर देम। एंड लेट्स मूव टू द अदर पार्ट वेयर दे कम आउट आफ्टर 8 आवर्स। अब हमारे ब्रेकिंग पैड्स ओवन से बाहर आ चुके हैं, जहां का टेम्परेचर था अराउंड 150 to 200 degrees Celsius। ये कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं कि नहीं विल बी चेक्ड बाय दिस पर्सन। ही इज टैपिंग देम विद अ टूल एंड लिसनिंग टू द साउंड। ये काफ़ी क्रिस्प होनी चाहिए, इफ इट इज डल देन द प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड। सो हमारे ब्रेक पैड्स ओवन से क्योर होके आ चुके हैं। अब इनमें चैम्पर्स बनाएंगे, इनमें स्लॉट्स बनाएंगे और इन्हें स्मूथ किया जाएगा। आई शो यू द कंप्लीट प्रोसेस। आप मेरे हाथ में देख सकते हो दिस प्रोडक्ट विच केम आउट ऑफ द ओवन। इट इज अनफिनिश्ड एंड हेयर यू कैन सी द फिनिश्ड प्रोडक्ट विद स्लॉट्स फॉर हीट डिसिपेशन, चैम्फर्स एंड इट इज ऑल्सो स्मूदन्ड। You can see the difference by yourself. Chamfers और slots बनाने के बाद यहाँ पर एक और process है, which is powder coating the brake pads to make them rust resistant.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में जहां गो मैकेनिक सेफ टेक प्लस ब्रेक पैड्स को टेस्ट किया जा रहा है ऑन डायनामोमीटर. वी आर टेस्टिंग देम ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक नॉइज, वॉल्यूम, हार्डनेस, वेयर एंड टेयर. एवरीथिंग इज गाइडेड थ्रू अ सॉफ्टवेयर. यू कैन हैव अ लुक. वी आर टेस्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ आर ब्रेक पैड्स. आफ्टर द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, हमने यहाँ पर रबर शिम्स लगा दिए हैं, प्लस हमने यहाँ पर ब्रेक वेयर इंडिकेटर भी लगा दिया है, एंड इट इज रेडी टू बी पैक्ड, रेडी टू बी डिलीवर्ड टू योर वर्कशॉप एंड ऑन टू द व्हीकल यू रिपेयर. Also, stay tuned for the next part of the video, जहां हम अपने Go Mechanic SafeTech brake pads को टेस्ट करेंगे against some of the leading manufacturer like Bosch, Minda, Rane, TVS, etc. and will give you a very informative comparison. So this was all for this video. आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. जाने से पहले इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. सब्सक्राइब टू द Go Mechanic चैनल. Don't forget to press the bell icon to never miss an update. This is your buddy Karan signing off. See you next Saturday. Goodbye and happy motoring.